आज का टॉपिक है क्यू वेव, इस पे बात करेंगे। पहले मैं एक टिपिकल ईसीजी ग्राफ बना लेता हूँ। ये है पी वेव। पी वेव के बाद पहला निगेटिव डिफ्लेक्शन क्यू वेव है। ये है क्यू वेव। पी वेव बताता है सिर्फ और सिर्फ एट्रिया के बारे में। इसका वेंट्रिकल से कोई लेना देना नहीं है। पी वेव बन रहा है मतलब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। और इसका एक और मतलब हुआ पी वेव का, पी वेव इंडिकेट करता है साइनस को, साइनस रिदिम को। साइनस रिदिम का मतलब जो करंट निकल रही है वो नेचुरल पेसमेकर से निकल रही है, साइनो एट्रियल नोड से निकल रही है। तो पी वेव का ताल्लुक जो है वो एट्रिया से है, अपर टू चैम्बर से, हार्ट के नीचे के वेंट्रिकल से पी वेव का कोई लेना देना नहीं है। पी वेव बन रहा है मतलब साइनस रिदिम है। साइनस रिदिम का मतलब ये हुआ कि जो करंट निकल रही है वो नेचुरल पेसमेकर यानी ऐसे नोड से निकल रही है और दोनों एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो पी वेव बन रहा है। ठीक है, अब जब दोनों एट्रिया का अपर टू चैम्बर का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है, अब दोनों चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट कर गए, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, तो करंट पहुंच गई एवी नोड के पास। यहाँ एवी नोड के पास, एवी नोड क्या है, गेट कीपर। अब ये करंट पास करेगा, दरवाज़ा खोलेगा कि भाई अब आगे बढ़िए। गेट कीपर ने दरवाज़ा खोला। अब ये करंट क्या है, बंडल ऑफ हिस में आएगी और फिर राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच से ये करंट फिर परकिंजी फाइबर में दोनों तरफ फैल जाती है। तो जैसे ही करंट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास पहुंचती है तो क्यू वेव का बनना शुरू हो जाता है। आइए डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि क्यू वेव कैसे बनता है। जब ऐसे नोड से बिजली पहुंच गई एवी नोड के पास तो हमें पी वेव मिल गया। अब ये एवी नोड जो गेट कीपर का काम करता है, ये गेट को खोलेगा, करंट पास करेगी बंडल ऑफ हिस में, उसके बाद करंट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में आ जाती है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में क्या होते हैं, राइट बंडल ब्रांच होता है और लेफ्ट बंडल ब्रांच होता है। तो जैसे ही इस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में करंट पहुंचती है, वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन स्टार्ट होने लगता है। पहले एक्टिवेट होता है लेफ्ट बंडल ब्रांच, ठीक है, लेफ्ट बंडल ब्रांच एक्टिवेट होगा और ये करंट को मूव करेगा राइट साइड में, ठीक है, इस तरफ राइट साइड में मूव करेगा। मतलब ये है हमारा V6 और ये है V1, अवे फ्रॉम V6 टूवर्ड्स द V1, ठीक है। तो हमें लीड V1 में एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मिलता है, चूँकि हमें पता है कि करंट जो है जिधर बहती है लीड की तरफ बहती है, तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मिलता है, ठीक है। तो हमें पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मिलेगा क्योंकि करंट पहले जा रही है, दूर हो रही है V6 से, तो V6 में हमें निगेटिव ऐसे डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो ये हो गया हमारा V6 वाला मामला, ये हो गया ऐसे निगेटिव डिफ्लेक्शन मिला। नॉर्मल क्यू वेव जो है इसकी जो विथ होनी चाहिए वो होनी चाहिए बराबर या छोटा 40 मिली सेकेंड से, और इसकी जो ये विथ का मतलब यहाँ टाइम हो गया, टाइमिंग या ड्यूरेशन, और यहाँ एम्पलीट्यूड जो है या हाइट जो कहेंगे इसको, एम्पलीट्यूड या हाइट कितनी होनी चाहिए, बराबर या छोटी होनी चाहिए 2 मिलीमीटर से। अगर Q
क्यू आर क्यू क्यू वेव की विथ ड्यूरेशन टाइमिंग ज़्यादा होगी 40 मिली सेकेंड से, और एम्पलीट्यूड जो है ज़्यादा होगा 2 मिलीमीटर से, है ना, तो हम इसे कहेंगे पैथोलॉजिकल क्यू वेव या पैथोलॉजिक क्यू वेव बोलेंगे, ठीक है। पैथोलॉजिक क्यू वेव जो है हमें नज़र आती हैं, देख लीजिए, ग्रेटर देन 2 स्मॉल स्क्वायर डीप, है ना, और इंडिकेट्स करंट और पास्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को दर्शाती हैं। क्यू वेव को हम लोग देखते हैं लीड 2, लीड 3, AVF डीप के लिए, ठीक है। अगर ये ज़्यादा है डीप, 2 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा डीप है, तो हम इसे पैथोलॉजिकल क्यू वेव कहेंगे। किस लीड में देखेंगे, लीड 2 में बाइपोलर लीड है, लीड 3 बाइपोलर लीड है, AVF ऑगमेंटेड लीड है, ये वोल्टेज लीड। डीप देखेंगे, अगर डीप है तो हम देखेंगे कि पास्ट और करेंट हिस्ट्री देखेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की, मतलब हार्ट अटैक के बारे में क्यू वेव इंडिकेट करता है।